हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नए ब्लॉग में फिर से आज आपको स्वागत। आज मैं धान बांधने के लिए जाऊंगा, जो कि लहा वहाँ कटिंग करना था, वो कटिंग हो गया है और लहा खपाई भी हो गया है। अभी ये 7:30 हो गए हैं, मैं निकलने वाला हूँ खेत तरफ धान बांधने का। आज ब्लॉग आपको ज़रूर देखिएगा, कैसा बनाऊँगा मैं ये सब लहा खपाई हो गए हैं। यहाँ 80 है, आज कितना बांध पाऊँगा लेके जाऊँगा, फिर बताऊंगा वहाँ कितना बलई होगा। आज का मौसम भी ख़राब है और थोड़ा बदली भी निकल गए हमारी तरफ। लहा साइकिल पे लोड हो गया है, अब मैं जाने वाला हूँ। मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ, अभी मैं खेत पे पहुंच गया हूं फिलहाल। अब मुझे धान बांधना चाहिए, अभी तो 8 बज गया, वैसा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा धूप भी हो रहा है। ये डोरी है जो कि लहा, इसमें हम धान बांधते हैं। अभी तो बेंट वेंट नहीं मिलता, आगे से बेंट में बांधते थे, अभी बेंट नहीं है, इसी में मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमको। इतना लाया हूँ, करीब 40-40-80 है दो बिंडल में, और कितना समय लगेगा बांधने में, कितना बांध पाऊँगा आज के लिए, मैं काम चालू करना पड़ेगा जल्द वाला।
Oh,
सब धान का भिंडा जो जो हमने बांधा है सुबह से लेकर अभी तक, इतना ही। और देखिए वो जितना दिख रहा है सब मैं अकेला ही बांधा हूँ, जो कि ये अभी के लिए। और क्या बताएं दोस्तों, काम तो करना पड़ता है दिन भर अकेला लोग, और क्या लेबर उबर तो आजकल नहीं मिलता है, फिर भी कम है ना। मैं भी फ्री रहता हूँ इसीलिए जितना बांध पाऊँगा बांध लूँगा, और बाद में जो दिन दुहारना है उस दिन 2-3 लोग ज़रूर लाऊँगा। हेलो दोस्तों, अभी 5:30 हो गया, अभी मेरा धान बांधना काम छुट्टी करना पड़ेगा, और शाम भी ढोने जा रहा है, इसलिए धान जितना भी बंदाई हो गया फिर सब बंदाई हो गया है। देखिए वो भिंडा सब हो गया है भिंडा, और वो सब उधर वाला का सब कटाई हुआ है, वो वाला सब बाकी है, वाला कल बांधना पड़ेगा मुझे। आज करीब 60-70 भिंडा बांध पाया, और लेट में भी आया इसलिए कम हो गया। आज के लिए इतना ही, आज के जो कि काम मेरा भिंडा बांधना काम ड्यूटी हो गया था, इतना ही। बस आज के लिए ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरा काम आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो।